अभी आपने बनारस का जिक्र किया, बनारस में इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ज्ञान वापी मस्जिद का है, जिसको लेके एक पक्ष उसका विरोध कर रहा है कि जो सर्वे हो रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसका सर्वे, उसके साथ ही साथ आज ताजमहल को लेके भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने रिट फाइल करी है कि ताजमहल की भी जाँच होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कह रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा कहा है कि नहीं जांच कराते। ये आज अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान ये सोनार कहार कश्यप ये नहने का दरोगा कहिया बनिया, एक कहा नहीं जाँच कराओ तुमन, सिपाही कब बनेंगे, लेखपाल कब बनेंगे, इसकी जांच कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी, ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा देती, हुआ का गलत फाइल करा जाते हैं सरकार दिल्ली से लेके यहाँ डबल इंजन तो है ये है। अच्छा सड़क पर आंदोलन करने से मिल जाएगी, ओम प्रकाश राजभर इंतजार करिए, सदन चलने दीजिए, सहमत है कि नहीं इस बात से, प्रदेश में कोई ऐसा माइक लाल नहीं है पैदा जो ओम प्रकाश राजभर को कह दे कि सदन में सुरती मल के खा के सूत जाता है। उससे मैं क्या से गया तो टेलीविजन खोला तो देखा हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम सड़क पर किसी को पूजा नहीं करने देंगे, शायद आप लोगों को देखा होगा मुख्यमंत्री ने कहा है, तो समय का इंतजार करिए, कांवड़ यात्रा कहाँ होगी। हम उन्हीं के बयान की बात करते हैं कि सड़क पर नहीं करने देंगे, कोई सड़क अपने घर थोड़ा खन के ले जा रहा है, अरे इतने दिन से नमाज हो रही है, जो भी पूजा पाठ हम ही लोग हर कीर्तन करते हैं तो सड़क घेर के नहीं कर लेते हैं, दुर्गा जी की पूजा होती तो नहीं सड़क पर लगा लेते हैं मूर्ति, सरस्वती जी की पूजा लक्ष्मी की पूजा सड़क ये पर तो बल्ली बांस गाड़ के कर लेते हैं, किनारे से रास्ता हो जाता है, ये तो अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो देश में संविधान है, संविधान में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के साथ इस तरह का हो, कौन कहां बैठा है ना, अरे आप बताइए ललितपुर अखिलेश जी गए, हमारी टीम वहां चंदौली गई, आज मैं जा रहा हूं रसड़ा, परसों मैं पहुंच रहा हूं, कल अखिलेश जी भी जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए हमसे ज्यादा भैया हमसे ज्यादा महंगाई पर कोई बोला वाला है का, जनता सुन लस, अरे हम भी पक्षा वाला है बोलेंगे बोलेंगे, देखिए किसी को मौका देना चाहिए, हम लोगों ने तो पहले तय किया कि 100 दिन चुपचाप मार के रहा जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहे कि ये लोग चुप रहें।